हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल माय स्टाइल माय फैशन। तो आज मैंने ये वाली अलमीरा जो है ना उसे साफ़ कर दिया और उसका सारा सामान जो था ना उसे अच्छे से अरेंज करके रख दिया। जो सामान मुझे चाहिए वो उसे आगे रखा है और जो नहीं चाहिए था उसे पीछे कर दिया है। और यहाँ पर बच्चों की अलमीरा भी मैंने खाली कर दी थी, उसमें से उनका जो सामान काम का नहीं है उसे मैं अभी साइड में रख दूँगी और जो काम का है उसे ही मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो देखिए अभी हमारी अलमीरा अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी रात का वक्त हो चुका है तो मैंने खाना बनाने में जो तैयारी करके रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आटा लगा दिया है और एक सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है। टोंडली की सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए सोची थी लेकिन ये थोड़ी सी कम हो गई, तो फिर मैंने साथ ही साथ पत्ता गोभी की सब्ज़ी को भी अभी छोंक दिया है। और ये सब्ज़ी ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी ये सब्ज़ी बहुत ही चटपट से बन भी जाती है तो मैं उनके लिए फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है ना वो डन हो चुकी है और आटा तैयार हो गया था तो मैंने उसे रेस्ट करने के लिए भी छोड़ दिया था। और अभी मैं फटाफट से रोटियां भी सेक लेती हूँ ताकि बच्चों को मैं गर्मा गर्म खाना दे पाऊँ। बच्चों को अगर हम गर्मा गर्म रोटियां खाने के लिए देते हैं ना तो एक से ज़्यादा दो भी खा लेते हैं, तो गर्म गर्म रोटी देने का यही फ़ायदा होता है। तो मैं अभी उनको रोटियां परोस देती हूँ। तो अभी मेरी सारी रोटियां डन हो चुकी है और जैसे ही रोटियां मेरी पूरी हो जाएगी बना के तो मैं पूरा गैस स्टोव साफ़ कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा बर्तन है ना उसे भी मैं धो के रख दूँगी ताकि जब भी हम खाना खाने के लिए बैठे और उसके बाद के जो बर्तन हो ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। और अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है तो मैंने मेरे लिए चने भिगो के रखे थे और ये कल की दोनों सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची थी। और बच्चों के लिए ना आज मैं इडली और मेंदू वड़ा लेके आई थी, तो ये चटनी है सांभार है उनके लिए और मैं ये चना जो भून रही हूँ ना उसे खा लूँगी। और अभी मैंने फिर से दूसरा वाला काम ले लिया है तो ये जो सारा सामान है ना वो मैंने इन बॉक्स में से निकाला है और अभी ये सारे सामान को भी अभी मैं अरेंज करने के लिए बैठी हूँ। एक के बाद एक के बाद एक जो जो काम मुझे लग रहे थे ना करने हैं साफ, वो सारे काम अभी मैं करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज खाने में ना मैंने मसाले वाला लोट बना दिया है, जो ये है ना बहुत ही मतलब वन पॉट मील है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए हमारा मसाले वाला आटा बोलो या लोट बोलो तैयार है और साथ ही साथ मैं गर्मा गर्म भाखरी भी बना रही हूँ। और यहाँ पर हमारी भाखरियाँ डन हो चुकी है और थोड़ी सी लोइयाँ थी वो ज़्यादा हो गई थी तो उसे अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल सुबह सभी के लिए मैं नाश्ता बना दूँगी। और हमारा आज के लिए तो ये खाना पूरा हो चुका है। किचन का सारा काम मेरा पूरा हो चुका है, अभी सिर्फ मुझे किचन साफ़ करना है। मैं हर रोज़ खाना खाने के पहले ना किचन साफ़ करके रख देती हूँ ताकि खाना खाने के बाद सिर्फ मुझे बर्तन ही धोने रहे और बर्तन भी एक्स्ट्रा वाले सारे इसी वक्त पे मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन थे ना वो डन हो चुके हैं और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।